ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। कोरोना संकट के इस दौर में जहां मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, उसी समय में कुछ छात्र भी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। कोटा में फंसे हुए छात्रों को सरकार द्वारा उनके घरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका है, पर अभी भी बहुत से छात्र अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसी ही कुछ छात्राएँ जो एग्रीकल्चर का कोर्स करने उड़ीसा गई हुई थी, वह झारसुगुड़ा और संबलपुर में लॉकडाउन के चलते फंस गई हैं। झारसुगुड़ा में कुल 3 छात्राएँ फंसी हुई हैं। पहली छात्रा शांति कश्यप जगदलपुर कुमार पारा की रहने वाली है, वहीं दूसरी छात्रा यशोदा नेताम बड़े बेंद्री कोंडा गांव जिले की रहने वाली है और तीसरी छात्रा पिंकी शोरी माकड़ी ब्लॉक कुंडा गांव की रहने वाली है और चौथी छात्रा संबलपुर में फंसी हुई है जिसका नाम बबीता ठाकुर है और वह दंतेवाड़ा की रहने वाली है। हमारे संवाददाता ने शांति कश्यप की बहन से, जो कि कुमार पारा में निवासरत है, से बात की। उड़ीसा में फंसी हुई छात्राओं के अनुसार उन्हें राशन या खाने पीने की समस्या तो नहीं हो रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब कॉलेज बंद हो गए हैं तो वे घर वापस आना चाहती हैं। छात्राएं जनवरी में एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए उड़ीसा गई हुई थी। इस विषय में बबीता ठाकुर ने हमें बताया, छात्राओं ने शासन से घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। इस विषय में यशोदा नेताम, शांति कश्यप और पिंकी शोरी ने हमें बताया, जिस प्रकार से कोटा में फंसे हुए सैकड़ों छात्रों को शासन ने उनके घर तक पहुंचाया है, इससे उड़ीसा में फंसी हुई इन छात्राओं को उम्मीद है कि शासन उनकी भी सुध लेगा और उन्हें घर तक पहुंचाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। मतलब छत्तीसगढ़ पहुंच सके तो बहुत कोशिश किए, तो हम 4 लोग हैं। दीदी लोग संबलपुर झारसुगुड़ा में रहते हैं और मैं संबलपुर सरलाकानी चौक सरलाकानी कॉलोनी में रहती हूँ। तो हम लोग को हेल्प मिल जाए तो हम जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं और बहुत परेशान हैं। हम लोग को किसी भी हालत में घर जाना है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़। सर, मैं पिंकी सॉरी बोल रही हूँ, मैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और ये बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं और ये कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर, हम तीनों मतलब यहाँ उड़ीसा में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग लेने आए थे सर, और यहाँ पे हम लोग जैसे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का मतलब एग्जाम ख़त्म हुआ सर, उसे हम लोग घर जाना चाह रहे थे, बट लॉकडाउन के कारण हम लोग रुक गए हैं सर, तो हमें जाने की कोई सुविधा नहीं हो रही सर, इसलिए हमें मतलब छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई सुविधा सही है सर। थैंक यू। हो गया, भेज दीजिए।